Good afternoon. बताओ सर, कल कहाँ छोड़ा था हमने? फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, बहुत अच्छे। शेड्यूल भी बता दूंगा। पंकज जी बताओ, इन राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 245, बिल्कुल। इन राज्यसभा देयर आर 245 मेंबर्स, व्हाट इज द ब्रेकअप? यही है या गलत है? What is the sanctioned strength of Rajya Sabha in constitution? 2? And what is the breakup? ठीक है, as per the constitution, this should be the breakup. Maximum you can have 238 members in Rajya Sabha who are elected, and maximum you can have 12 nominated members. मगर व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ? मैक्सिमम मेंबर्स आर 233 हु आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। ये फेल है, ठीक है ना? 233 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, 229 प्लस 4। 229 आर द इलेक्टेड मेंबर्स कमिंग फ्रॉम स्टेट्स एंड 4 आर कमिंग फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, आउट ऑफ विच 3 आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड 1 फ्रॉम पॉन्डिचेरी। ओके, ये सब ब्रेकअप है। नो, दिस वॉज अ फैक्चुअल थिंग। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, यू नेवर नो। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू राज्यसभा? राज्यसभा को प्यार से क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ एल्डर्स, हाँ बिल्कुल, सेकंड चैम्बर। बट इट्स यंग क्लास में हम हाउस ऑफ एल्डर का नाम नहीं लेंगे, वी विल ओनली कंसिडर काउंसिल ऑफ स्टेट। एक बात बताओ सर, ये बात तो सही है दैट काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है? राज्यसभा इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट, ये मालूम है आपको। यू टेल मी सर, व्हाई राज्यसभा इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? वन एट अ टाइम, हाँ बोलो। आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, वेरी गुड। मेंबर्स इन राज्यसभा दे आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्शंस थ्रू स्टेट। फर्स्ट पीपल, लिसन केयरफुली, फर्स्ट पीपल इलेक्ट एमएलएज एंड MLA इन टर्न इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स। ये बात तो क्लियर है आपको? मीन्स राज्यसभा मेंबर्स आर वॉइस ऑफ स्टेट, ठीक है? मगर एक बात देखो, इज इट नॉट ट्रू विद द केस ऑफ लोकसभा ऑल्सो इन अ वे दैट लोकसभा MPs आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम स्टेट ओनली? भाई वो भी तो स्टेट से ही आ रहे हैं, क्या वो कहीं और से आए? आफ्टर ऑल लोकसभा पीपल आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम स्टेट, बट वाई आई कॉल राज्यसभा एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लोकसभा? लास्ट डेज में ऐसा क्या है? बात आपने बहुत सही बोली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट शी सेड इज करेक्ट, बट देन फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू लेट मी टेल यू देयर इज वन मोर डिफरेंस। अभी जो आपने बोला मैं बताऊंगा बाद में। एनीबडी, व्हाई वी कॉल राज्यसभा एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसा क्या है? पहली बात तो बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, दैट राज्यसभा मेंबर्स आर गेटिंग इलेक्टेड बाय स्टेट MLA। स्टेट MLA राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बिकम द वॉइस ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द अदर रीजन दैट राज्यसभा इज कंसीडर्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट? व्हाट रिलेशन राज्यसभा हैज टुवर्ड्स स्टेट? हाँ वही तो बात बोली ना इन्होंने भी। प्रोसीजर तो ठीक है, मगर रीजन क्या है? नहीं, 2 साल तो सही कह रहे हो आप, मगर काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों है? मैं ये बोल रहा हूं,
हाँ, दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एंड हाउ डू यू नो दिस? वॉट इज द, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बट इज देर अ प्रूफ दैट दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट? हाँ, दे आर चोजन बाय द स्टेट एमएलए. राज्यसभा मेंबर्स आर चोजन बाय द स्टेट एमएलए. मगर एक बात सर याद रखना, दोज एमएलए आर नॉट ओनली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, दे मे बी फ्रॉम अपोजिशन ऑल्सो. यस, बिकॉज रूलिंग पार्टी इज इन मेजोरिटी, द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम स्टेट इन राज्यसभा दे मे रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट. मगर ये रीजन नहीं है सर, रीजन ये है दैट द पावर्स विच आर गिवन टू राज्यसभा, देर आर सम पावर्स बाय विच दे कुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एनी वन एग्जाम्पल देखें. यस, वेरी गुड. विच आर्टिकल सर? 249. किसने आपने बोला था? बहुत ही बढ़िया सर, दिस इज वॉट आई सी एज इंप्रूवमेंट. इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट. दिस पर्सन वन मंथ बैक ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश पार्ट ऑफ द लेक्चर, बट देन आई टोल्ड हिम दैट ट्राई. नाउ दिस इंप्रूवमेंट इज विजिबल एंड दिस इंप्रूवमेंट इज मार्क्ड. ओके, आर्टिकल 312. आर्टिकल 312 क्या है? इट इज ऑल इंडिया सर्विसेस. ऑल इंडिया सर्विसेज को कितनी होती है? ऑल इंडिया सर्विस 3. ओके, नाउ हु क्रिएट्स ऑल इंडिया सर्विसेज? हाँ जी, आप बताओ. ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड बाई द पार्लियामेंट, बट दे आर क्रिएटेड वेन राज्यसभा स्टार्ट द प्रोसेस. द बिगिनिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, दिस प्रोसेस बिगिन्स इन राज्यसभा. Then it is approved by Lok Sabha also, and then only you can have a new All India service. Abhi dekho, judicial services, are they not All India services? No. Currently, judicial services are state services. Tomorrow, we want that we should convert judicial service into All India. And why should we do this? I have told you already. Agar hume judicial service ko All India service banana hai, to Rajya Sabha will start the procedure. Only Rajya Sabha can start the procedure, Lok Sabha cannot. Okay, and when it is approved by Lok Sabha also, we will have a new service called as All India Judicial Service. Magar, what significance it has? Theek hai, maine bola that All India Services are initiated by Rajya Sabha. But All India Services ka state se kya lena dena hai? Yes, cadre system. All India Services people, they run the state on their shoulders. So if you want to bring benefit to the state, you may create more All India services so that the administration of the state is run more professionally in a more focused way. Right now, do we have Indian medical services? Not, it's not an All India service. Tomorrow, if Rajya Sabha wants to create Indian medical service so that the health of every state is taken care in a professional manner, in a uniform manner throughout India, then Rajya Sabha will create All India medical service. It can also create Indian which service? Education service. So that education is looked in a focused manner in the state. Aur ye banayega kaun? Rajya Sabha. Means to strengthen the administration of the state, Rajya Sabha can create new All India services. Because All India services people are highly talented, because they are coming through All India exam, and also they are highly trained in one area. So if you want more of these services, so that state can benefit, by All India service people will benefit state or not? If you want state to benefit from more All India services, you should go where? You should go to Rajya Sabha and tell Rajya Sabha that Rajya Sabha, we want more All India services so that the state administration can become more efficient, can become more focused. Aur Rajya Sabha bana degi isko. Now, is it not a step in the interest of the states? And who can initiate this? Rajya Sabha. Isiliye Rajya Sabha is called as Council of State. Pehla reason. Another example which he gave very hesitantly is this. Even Article 249, क्या चीज है? Yes, very good. If Article 249, क्या चीज है सर? बहुत बढ़िया. Any subject which is otherwise part of state subject, Parliament can make law on that, provided who approves it? Rajya Sabha.
on the approval of Rajya Sabha, Parliament can make law on the state subject also in the interest of the state as well as the nation. Means here, to have effect on the state, who started the process? Rajya Sabha. So in a way, if you see the functioning also, Rajya Sabha has got some powers. Using them, we can create effect on states. Now these powers are not given to Lok Sabha. Isiliye bhi, therefore also, we can say that Rajya Sabha is a council of state. Besides the fact that Rajya Sabha members are chosen by the state legislators. Theek hai na? The term of Rajya Sabha members is how much? Or Lok Sabha member? 5 years. Term of Rajya Sabha is 6 years. Achha, ye question ko aise bhi, I can put this question in this way. शिकार मैं खुद ढूंढूंगा. हाँ जी सर, आप बताओ. लोकसभा, राज्यसभा बताओ. कैन राज्यसभा भी डिसॉल्व? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. डिसॉल्व मतलब समझते हो आप? डिसॉल्व मतलब द मेंबरशिप इज रिमूव्ड. जो मेंबर थे उनको हटा दिया एंड न्यू मेंबर्स विल कम. ठीक है. राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व बिकॉज एट नो पॉइंट राज्यसभा इज एम्प्टी ऑफ द मेंबर्स. ऑलवेज यू हैव द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स. द ओनली थिंग इज दैट फ्यू मेंबर्स विल कीप ऑन गेटिंग रिप्लेस्ड. 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स. हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? Change or they retire and in place again 1/3 member come. ठीक है सर. And no point will it happen that Rajya Sabha complete membership will be changed at one time. धीरे धीरे करके ही चले. Okay. So Rajya Sabha in can never be dissolved. Rajya Sabha cannot be empty of its member at one point of time. कभी ऐसा नहीं होगा कि Rajya Sabha खाली हो जाएगी. Okay. Though some people will be replaced. Rajya Sabha cannot be dissolved. भी बहुत अच्छी बोला आपने. कैन राज्यसभा भी अबॉलिश्ड? हाँ जी बताएं गंभीर जी, बोलो. अबॉलिश कर सकते हैं? व्हाई? इट कैन. राज्यसभा कैन नेवर बी अबॉलिश्ड बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट लोकसभा. पार्लियामेंट इज लोकसभा प्लस Rajya Sabha, and Rajya Sabha will never allow itself to be abolished. Lok Sabha, हाँ जी आप बताओ. Can Lok Sabha be dissolved? हाँ, every 5 years या पहले भी हो सकता है ना? Sir, Lok Sabha can it be abolished? लोकसभा कैन बी सस्पेंडेड? हाँ जी आप बताओ पहले. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व और नॉट? डिसॉल्व तो हो जाती है. लोकसभा कैन बी अबॉलिश्ड? अबॉलिश मतलब समझते हो क्या होता है? अबॉलिश का मतलब, अबॉलिश मतलब डिस्ट्रॉयड, है ना. अब जैसे कप है, इफ आई लीव दिस कप इट विल बी सस्पेंडेड और अबॉलिश्ड? ये अबॉलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये कप. ओके. But then, if this is a water, glass of water, and I pour this glass of water in some other glass, it will be empty or not? Then this will mean that this glass is dissolved. Magar glass is still there. Abolished nahi hua hai, dissolved hua hai. And if I pour this whole water in some other place, it will be dissolved. And then I leave this glass also and it breaks, it is also abolished. Theek hai sir? But then we'll not abolish it or we'll not dissolve it. Yahan dhyan dein, Lok Sabha. Batao sir, can it be abolished? No.
लोकसभा कैन नॉट बी एबॉलिश्ड ऑल्सो. एबॉलिश का मतलब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया आपने. ओके यस, मेंबर्स कैन बी, लोकसभा कैन बी एम्प्टी ऑफ मेंबर्स, उसे खाली कर देंगे एंड देन न्यू मेंबर्स विल कम, दैट इज कॉल्ड एज डिसॉल्यूशन. ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, बताओ सर कैन लेजिस्लेटिव असेंबली बी डिसॉल्व्ड? हो जाती है कब? Either the लोक either the government in power loses majority or even under article 350 to it can be resolved or not. खाली कर देंगे membership को and then new elections will take place. Can legislative assembly be dissolved? अभी यही तो बताया था, dissolve ही तो कर सकते हैं. सर मैंने तो dissolve पूछा आपसे. Can it be abolished? Legislative assembly cannot be abolished. उसको abolish नहीं कर सकते. Reason? The institution will remain in place ever. Institution will remain in place in ever. But when we empty the institution members, that will be dissolved. So dissolution can take place of assembly, but it cannot be abolished. Legislative council. Can this be dissolved? हाँ सर बताओ, काउंसिल जानते हो ना, अपर हाउस इन स्टेट, कैन इट बी डिसॉल्व? नहीं होता डिसॉल्व है, डिसॉल्व होता है नहीं, अबॉलिश तो हो जाता है, डिसॉल्व हो सकता है? इट कैन बी, बोलो सर. हाँ जी, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डिसॉल्व because it is a permanent house. You can never have a case where the membership comes to zero. Some members will go, some member will come, jaise Rajya Sabha mein hota. But legislative council can be abolished. Jaise ki Andhra Pradesh, earlier it had legislative council, then it abolished, then again it brought it back. Theek hai na? Legislative council can be abolished, but it cannot be dissolved. Clear? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यह है, दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. राइट टू थ्री लाइन्स ऑन दिस. राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट्स एट द फेडरल लेवल, एट द फेडरल लेवल. It has two categories of members. It has two categories of members. First, elected. Elected, other, nominated. Elected or nominated. Elected or nominated in such a way. Is tarah election hota hai. Elected or nominated in such a way that one third of the members, that one third of the members retire every 2 years. Har do saal baad one third member retire ho jate hain. One third of the members retire every 2 years. Constitution prescribed for maximum of 238 elected and 12 nominated members. However, Parliament has fixed it at 233 elected and 12 nominated. 233 mein please give the breakup. 229 plus 4 means out of 233, 229 will be elected from states and 4 from UTs. Delhi has got 3 MPs in Rajya Sabha. Pondicherry mein 1. Members of Rajya Sabha
Members, this time Rajya Sabha is very important because controversy erupted regarding election of Rajya Sabha member from Haryana. Haryana mein jab elections hue the in Rajya Sabha, a controversy was there that the elections were rigged. Subhash Chandra won from election or not? Okay. Members of Rajya Sabha are elected by, members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislature or assembly? Council participate nahi karega? Very good. Of the state legislative assemblies, state legislative assemblies, by a system of proportional representation. Ab yahan, sir, what is the meaning of proportional here? Yes, according to the population of the state, there will be MPs in Rajya Sabha. Maximum MP kahan se aayenge, sir? UP. Very good. According to proportional representation and single transferable vote system. Proportional representation and single transferable vote system. You know very well what is single transferable vote system. Preference. Elections are held under. Elections are held under, batao sir, secret ballot or open ballot? Open ballot. Sabko bata ke vote karenge hum? Bilkul, Rajya Sabha mein open ballot hai. Danke ki chot pe do, kisko vote de rahe ho? Open ballot, sir. Was it there from the very beginning or it was done later on? 2003 se, we have started a system of open ballot system in Rajya Sabha. Elections are held under open ballot system. Means everybody would come to know to whom you have voted. Qualification. Kitni hai, sir? Not less than 30 years of age. Not less than 30 years of age. First qualification. Second qualification to be Rajya Sabha member? Hanji? Citizen of India qualification nahi hai iski. Second qualification kya hai? Haan, where? In the state constituency? Kahin pe bhi? Bahut badhiya. Dekho, aapne jo citizenship ki baat boli na, that is covered in this. Qualification is that you should be registered voter in any of the constituency in the country. Kahin pe bhi aap voter ho, to aap, you can become the member of Rajya Sabha. Of course, if you are voter, you are Indian only. Hai na? To isiliye, explicitly, citizenship is not a qualification. Ye yaad rakhna, in pre, he can ask you. However, see the language. Is he asking you for this technical thing or is asking in general? Wo language pe depend karega. Likho. Not less than 30 years of age. Second, should be registered as voter in any of the Lok Sabha constituency. Jaise Dr. Manmohan Singh was registered in Delhi constituency. But he became member of Rajya Sabha from Assam. Theek hai na? Any of the Lok Sabha constituency in the country, India mein, kahin bhi Lok Sabha ki constituency mein, unka naam hona chahiye, voter list mein. And the last qualification is, which was said very correctly by somebody, he should not hold any office of profit. He should not hold any office of profit. Sir, dekho, Rajya Sabha is made to give voice to state. Matlab, Rajya Sabha in a way is an institution which is made for the states so that they can be heard at the union level. Rajya ki baat upar tak pahunchane ke liye Rajya Sabha bana tha. Means, when we formed Rajya Sabha, what did we have in mind? Which principle? Bahut badhiya. The principle of federalism was kept in mind when we formed Rajya Sabha. Federalism matlab, state should also be equally powerful as center is. Now, if at the union level, there is no institution which reflects the voice of state, then this is not federalism. Okay. At the union level, when for the whole country, law is being made,
there should be an institution which reflects the voice of the states also. Ye to federalism hai. Means Rajya Sabha was formed to strengthen federalism so that even states can have their voice where union level while laws are made. Theek hai sir. Ab ek baat batao sir, is Rajya Sabha actually an institution which is federal in nature? If no, why not? हाँ, बहुत बढ़िया. और नॉमिनेटेड मेंबर, वेरी गुड. पढ़ के आए हैं सर ये चैप्टर, कोई टेंशन की बात नहीं, आप भी पढ़ के आते तो खुशी होती, कोई बात नहीं. टुमारो देखो, इन अमेरिका व्हाट हैपेंस, अमेरिका में भी तो है दो हाउस, द अपर हाउस इज कॉल्ड एज सेनेट एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. अमेरिका हाउ मेनी स्टेट्स? 50. व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ सेनेट? 100. यस, इन अमेरिका द अपर हाउस विच इज लाइक अवर राज्यसभा, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो फेडरेशन, वी आर ऑल्सो फेडरल. अमेरिका मेड द अपर हाउस टू गिव वॉइस टू states, we made upper house to give voice to states. But difference is this, America gave similar weightage to all the states, 50 state hai. From every state in America, the upper house, two people are coming, okay? So it is 100. But in India, every state is not equally represented at union level. The state with more population is represented more. Is it not against federal feature? By federalism does not only mean that center state are equal, it also means that all the states are equal. So, sabko barabar representation do. Yehi to main bol raha hu. In America also, population is different, but still they give similar. Magar dekho, if you see the concept, democracy should prevail over federalism, right or wrong? By jahan population zyada hai, obviously usko zyada milni chahiye. So, I feel theoretically Indian system is sound. Magar if the question comes, is Rajya Sabha federal in nature or it is anti-federal, what will you write? Both. Quasi bhi nahi, both. It has federal feature, it has anti-federal feature also. Anti-federal feature matlab, it does not give representation to all the states equally. States with more population are more represented. Pehli baat. Apart from this feature, which is against the federal principle, what is the other feature? Yes. भाई राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज अ इंस्टीट्यूशन विच शुड हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली स्टेट्स. बट पंकज जी, इज इट ओनली हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स? एंग्लो इंडियन लोकसभा में होते हैं यार. हाँ, ये जो 12 लोग हैं, दीज आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा और नॉट? एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय होम? ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम. मतलब COM is putting 12 of his own people in the upper house. This is against federal feature or not? But there was one institution which was for states. So let every member come from state. Why are you having 12 members who are not coming from states? They are coming from center. Will they not favor the center? Chances to hai. However, conceptually they were not brought to favor center or state. They were brought so that they can put their expertise in different areas of literature, art, social service and science. Hai ki nahi? Magar aisa ho nahi raha. These members are more of the representative of union rather than expert in that area. This is anti-federal feature. Third feature, which you will call as anti-federal feature of Rajya Sabha. Do baat to bahut sahi boli aapne, teesri baat bhi batao. Aur wo easy bhi hai, koi tension nahi hai uske andar. In fact, I discussed that day before yesterday. उसका फेडरल फीचर से क्या लेने देना है? हाँ, it has. फेडरल का मतलब है डिस्कस समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स. व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. व्हेन आई विल कंपेयर राज्यसभा विद लोकसभा, व्हाट यू आर बोथ सेइंग इज करेक्ट. मगर कंटेक्स्ट है फेडरलिज्म,
सेंटर और स्टेट और अमंग द स्टेट्स यू गिव अ वैलिड पॉइंट. राज्यसभा कैन टू लार्ज एक्सटेंट ब्लॉक दोज डिसीजंस. अभी बताऊंगा कैसे. एनीबडी, व्हाट इज अगेन एन एंटी फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा. वो तो हो गया ना, डिफरेंस है पॉपुलेशन के बेसिस पे. आप लोकसभा से कंपेयर मत करो ना, आप बात करो सेंट्रल स्टेट्स की या सिर्फ स्टेट्स की. डू नॉट कम, इसको मैं मिटाई देता हूं. ये लो, हाँ दैट इज डन सर, बिफोर यू केम वी डिस्कस दैट. बहुत ही बच्चे अभी तक चुप क्यों बैठे हुए थे सर, दो रात ने बोला था. बहुत बढ़िया. सी, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है. फेडरलिज्म मींस अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. मींस ओनली स्टेट शुड गेट रिप्रेजेंटेशन हियर इन राज्यसभा. बट देन देर इज वन मोर बॉडी विच इज अटैच टू सेंटर विच इज गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. वो बॉडी है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डिचेरी. दीज आर ऑल्सो हैविंग प्रेजेंस इन राज्यसभा. नाउ यूनियन टेरिटरीज आर यू नो पार्ट ऑफ होम यूनियन. यूनियन टेरिटरी इन अ वे आर पार्ट ऑफ यूनियन. दे आर नॉट स्टेट्स एंड दिस इज एन एंटी फेडरल फीचर. यू आर गिविंग एंट्री टू एन एंटिटी विच इज अटैच्ड टू सेंटर रादर देन स्टेट विच इज अगेंस्ट द dominance and autonomy of the state or which is against the principle of federalism. Who did not understand this, he can ask me with fast. Samajh mein aa gaya? Nahin, ye aap samjhe nahi samjhe UT wali baat. Theek hai sir, likho fir aap isko. Non-federal feature of Rajya Sabha. Non-federal feature of Rajya Sabha. First, states are not represented. States are not represented in Rajya Sabha. You can add more points if you come across. States are not represented in Rajya Sabha on the basis of principle of equality of states, but represented on the basis of population. Second, representation in Rajya Sabha, representation in Council of State, is also given to representation in Council of State, matlab Rajya Sabha, is also given to a non-state entity. Non-state entity, that is union territories of Delhi and Pondicherry, which do not enjoy the constitutional relation of federalism with the center. Membership has also been given to nominated members in Rajya Sabha, nominated by the president on the advice of CUM, on the advice of Union CUM. Federal feature of Rajya Sabha. First, federal feature of Rajya Sabha. First, the very basis, jo purpose tha Rajya Sabha ko banane ka. First, keep reading what you're writing. The very basis,
यही समझ के जाओ, यही रट के जाओ. द वेरी बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी बेसिस वेरी रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा वॉज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वॉज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स वॉज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स एट फेडरल लेवल. ओनली राज्यसभा, सेकेंड पॉइंट, ओनली राज्यसभा कैन इनिशिएट, ओनली राज्यसभा कैन इनिशिएट सम एक्शंस, ओनली राज्यसभा कैन इनिशिएट सम एक्शंस विच हैव डायरेक्ट बियरिंग, विच हैव डायरेक्ट बियरिंग, बियरिंग मीन्स इफेक्ट, विच विल हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द स्टेट्स. एग्जाम्पल, creation of all India services. Example, creation of all India services, creation of article 312, very good, article 312 comma article 249. I have discussed that earlier, article 249 ye main likha bhi chuka hu aapko. Okay, next, even emergencies which have a bearing on, bearing matlab effect, emergencies, koi bhi emergency having bearing on the states is approved by Rajya Sabha. Matlab central unilaterally cannot what, dismiss the state government. If center wants to do it, it has to take into confidence Rajya Sabha also, theek hai na. Next, cannot parliament bring a law, cannot Lok Sabha bring a law, cannot, abhi kisi ne baat boli bhi thi, cannot Lok Sabha amend the constitution by which they can say that now we take over all the powers and states are, I mean, stripped of all the powers. Yes, ha, bahut badhiya, bahut hi badhiya, and both are right. She said, under, if Lok Sabha wants to make such a change that now we strip off the states of all the powers, Lok Sabha can only do by amending the constitution. Bhai, samvidhan ko change karke to aap state ki power kam karoge, and amendment of the constitution can only be done by article 368, but this cannot be done unilaterally by Lok Sabha unless Rajya Sabha agrees, and Rajya Sabha will never agree because this will go against the interest of the state. Aur dusri baat jo unhone boli bahut achhi, that if you try to do this, this is against the spirit of federalism, which is the basic structure of the constitution, and judiciary will nullify this action. Bahut hi badhiya. Next, all the constitutional amendment bill under article 368, constitutional amendment bill under article 368, which can be even used to have effect on the autonomy of states, have to be approved by autonomy of the states have to be approved by Rajya Sabha. Next, I am telling you how federal feature is strengthened by Rajya Sabha. Rajya Sabha plays equal role in the elections and impeachment of president. See, in elections to state also participate, but in impeachment do states participate? No. The only way states can have some voice in the impeachment of the president is through Rajya Sabha, and when this is done, this is appreciation of federalism only.
है कि नहीं? स्टेट्स आर गिवन सम वॉइस इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू राज्यसभा, दिस इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरल फीचर. नेक्स्ट लास्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स एज लोकसभा. That is, no bill can be passed, no ordinary bill can be passed having a adverse bearing. No ordinary bill can be passed having an adverse, matlab negative, having an adverse bearing or effect on the state unless approved by Rajya Sabha. Unless approved by Rajya Sabha, and Rajya Sabha may not do that, and Rajya Sabha may not do that, which strengthens federalism. What is the basic difference between Chairman Rajya Sabha and Speaker Lok Sabha? Chairman is the? And he is not? Huh? Non? Very good. The Speaker Lok Sabha is the member Lok Sabha, whereas Chairman Rajya Sabha is not the member of Rajya Sabha. Wo MP thodi na hai, wo to Vice President of India hai na? Bahut badhiya. Likhe. Chairman, Chairman Rajya Sabha, Vice President, Chairman Rajya Sabha, Vice President, VP is the ex officio chairman. I told you the meaning of ex officio. Automatically, yes. Is the ex officio. Ex officio means by the virtue of ex officio chairman of Rajya Sabha, who presides over. Who presides over the proceedings of Rajya Sabha? Sir, ek baat batao. Yo member to nahi hai. Then when a vote will take place in Rajya Sabha, will he participate? No. Can he participate? Yes. Kab? Bahut badhiya. Aur us, what is the vote called as? Bahut hi achhe. Casting vote. देखो, normally तो chairman will not vote. However, if there's a tie, yes 50, no 50, then he will shift the pendulum by giving a vote which is called as casting vote. लिखे, he does not cast his vote. In pre, if the question comes, does the chairman cast vote? Answer लिखना है yes. Casting vote तो डालते ही है ना? Vice President, sorry, Chairman does not cast his vote in the first instance. Pehli baari mein to nahi dalega vote, magar dalega to sahi. In the first instance, to maintain what? To maintain? Very good. To maintain his neutrality means he wants to become non-political. Hai ki nahi hai, sir? To maintain his neutrality, However, in case of a tie matlab barabar, in case of a tie, he has the right to exercise casting vote. Deputy Chairman of Rajya Sabha, is he the member of Rajya Sabha? Yes, Deputy Chairman of Rajya Sabha is elected. Deputy Chairman of Rajya Sabha is elected by the House. House matlab Rajya Sabha. Amongst its members, means from within its members, amongst its members, who presides over the proceedings,
who presides over the proceedings of the house in case of absence of the chairman. In case of absence of the chairman. Means when chairman is not there, vice chairman can become, sorry, deputy chairman can become chairman. If chairman dies, will he become the next chairman? No. Because chairman Rajya Sabha is not only chairman, Rajya Sabha is also the vice president of India. Very good. Special powers of Rajya Sabha. Matlab the powers which are given to Rajya Sabha, but not to Lok Sabha. Special powers of Rajya Sabha. First. जो पहले ऊपर देखता है वो फंसता है सर. फर्स्ट स्पेशल पावर. हाँ, आर्टिकल 312. ऑल इंडिया सर्विसेज कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा. पहली बात. सेकंड स्पेशल पावर. हाँ जी, आप बताओ. 249. थर्ड स्पेशल पावर. स्पेशल पावर मतलब द पावर विच इज ओनली विद राज्यसभा, नॉट विद लोकसभा. अब 352 की पावर तो लोकसभा के पास भी है. 352 क्या चीज है? नेशनल इमरजेंसी है ना. तो इट कैन बी स्टार्टेड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. सर, व्हाट इज द थर्ड स्पेशल पावर? बहुत ही बढ़िया. द वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा. द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन लोकसभा. आर्टिकल पता है तो बता दो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है. लिख लो. 249, 312, आर्टिकल 67B. 67B इज द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. सर बताओ, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल अंडर आर्टिकल 67B, इसका प्रोसीजर बता दो फटाफट. अभी परसों तो किया हमने, जल्दी जल्दी. एक तो ये बता, सुनो, द रेजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट इज ब्रॉट इन लोकसभा और राज्यसभा और बोथ? ओनली इन राज्यसभा. पहली बात, रेजोल्यूशन आ गया. व्हाट इज द सेकंड प्रोसीजर? है इफेक्टिव मेजोरिटी. बाद में पहले नोटिस दोगे कि नहीं दोगे उसको? 14 डेज नोटिस. व्हाट इज द मेजोरिटी बाय विच दिस रेजोल्यूशन इज पास्ड इन राज्यसभा? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब बताओ सर जल्दी से. 50% ऑफ द देन स्ट्रेंथ. देन स्ट्रेंथ का मतलब ही वो होता है सर. व्हेन यू से 50% ऑफ द देन स्ट्रेंथ, इट मींस ओनली 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ माइनस द वैकेंसी. उसका मतलब ही है. That is called as effective majority. कई बार बता चुका हूं मैं. Once it is passed by Rajya Sabha, will it be passed in Lok Sabha also? Yes, yes. Or majority? Simple majority. ठीक है सर पंकज जी, दोनों जगह पास होगा, मगर initiate कहां होगा? Only in Rajya Sabha. लिख लो आप. Relevance of Rajya Sabha. See, somebody, अभी ऑनलाइन somebody asked me a question. इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, द स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस. ये सही है गलत है? एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते यार, नहीं करते, नहीं करते. इज इट नॉट एंटी फेडरल फीचर? नहीं. अच्छा चलो, ये भूल जाओ कि राज्यसभा हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. जनरली बताओ, इज इट नॉट एन एंटी फेडरल फीचर दैट द स्टेट लेजिस्लेटर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैविंग एनी पावर? व्हाट? बहुत बढ़िया. अरे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द चेयरमैन राज्यसभा. हिज रोल इज टू वर्क एट द यूनियन लेवल ओनली. He is not supposed to be representative of states. Who is supposed to be representative of states? President. हाँ, मगर आप ये बोल सकते हो
दैट आफ्टर सम टाइम इफ ही अज्यूम्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सम टाइम ही कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑल्सो. नाउ ही शुड रिप्रेजेंट द स्टेट. नाउ दिस पर्सन हु हैज नाउ कम फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस टू प्रेसिडेंट ऑफिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, तो ये तो गलत है ही है. बट देन हाउ मेनी टाइम्स ही विल बिकम प्रेसिडेंट? रेयरली, है कि नहीं है? सो दिस इज इट. वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, बेसिकली ही इज इलेक्टेड एज चेयरमैन राज्यसभा. नाउ चेयरमैन राज्यसभा हैज मोर रोल विद यूनियन लेजिस्लेचर रादर देन स्टेट. तो वहां पे फेडरलिज्म का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है. ठीक है ना? क्वेश्चन वॉज वेरी रेलिवेंट बट दिस इज द आंसर. इट इज नॉट एंटी फेडरल. विच रिप्रेजेंट स्टेट्स? नहीं, विच रिप्रेजेंट सम इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं. चेयरमैन का काम क्या है? सुनो, चेयरमैन, व्हाट इज द काम ऑफ चेयरमैन? टेल मी. चेयरमैन हैज ओनली वन रोल, टू अलाउ द प्रोसीडिंग्स. ही इज नॉट बेसिकली इज नॉट अ वोटर. समझ रहे हो? इन वोटिंग्स ही इज नॉट बेसिकली अ वोटर. ही कैन वोट बट देन ओनली इन केस ऑफ टाई. एंड हाउ मेनी टाइम्स विल यू सी टाई? है कि नहीं है? और आप ये भी देखो ना, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो. और इज ही? वो मेंबर भी तो नहीं है. देखो, पॉलिटी में यही मजा है. यू कैन प्रूव दिस वे, यू कैन प्रूव दैट वे. आई कैन से राज्यसभा इज फेडरल, आई कैन से राज्यसभा इज एंटी फेडरल. आई कैन से वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया, आई कैन से वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट स्टेट ऑल्सो. आई कैन से प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट स्टेट ऑल्सो. आई कैन से प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट ओनली यूनियन. मेरी मर्जी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन मोल्ड द फैक्ट्स. मगर एक बात याद रखना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू मोल्ड द फैक्ट्स कंप्लीटली. यूज द फैक्ट्स अकॉर्डिंगली. वर्ड में दोनों में फर्क है. बिकॉज समथिंग आर नॉट ऑब्जेक्टिवली ब्लैक और व्हाइट. समथिंग सब्जेक्टिव एलिमेंट इज देयर. नाउ यू एक्सप्लॉइट द सब्जेक्टिव एलिमेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वो क्वेश्चन ही आपसे ऐसे पूछेगा वेयर ही विल एक्सपेक्ट यू और ही विल इंसाइट अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग. ओके, नहीं है? डू नॉट मोल्ड योर सेल्फ इन अ रिजिड वे. लेट द ब्रेन बी फ्लूइड वेर यू कैन सी अदर थिंग ऑल्सो. रेलिवेंस ऑफ राज्यसभा, रेलिवेंस ऑफ राज्यसभा. देखो कितनी बढ़िया लाइन है, पढ़ो इसको. इन अ फेडरल सेटअप, रेलिवेंस मतलब जरूरत क्या है राज्यसभा बनाने की. इन अ फेडरल सेटअप मतलब फेडरल पॉलिटी. इन अ फेडरल सेटअप द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर. अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. बिकॉज देर इज अ नीड टू प्रोवाइड an institutionalized form. There is a need to provide institutionalized, matlab formal. There is a need to provide institutionalized or formal form of representation for states at federal level to protect their interest. Rajya Sabha has been conceived. Chandigarh has how many seats in Rajya Sabha? Zero. Only two states have representation in Rajya Sabha, Delhi and Pondicherry. Delhi 3 seats, Pondicherry 1 seat. Chandigarh is it getting representation in Lok Sabha? Yes. 1. UTs have got 1 representation in Lok Sabha. Likhe. Rajya Sabha has been conceived on the principle of equality of houses, right or wrong? Equality of houses matlab kaun se house? Lok Sabha and Rajya Sabha. मतलब राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड इन सच अ वे दैट वी कंसीडर बोथ टू बी इक्वल.
राज्यसभा और लोकसभा बराबर माना है हमने, ओके, वी डू नॉट कंसीडर राज्यसभा टू बी इनफीरियर टू लोकसभा. लिखें, राज्यसभा इज बीन कंसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ हाउसेस, ब्रैकेट्स में लिख भी लो राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा. राज्यसभा एंड लोकसभा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए ना. हाँ जी, वन राज्यसभा में जीरो हुई, लोकसभा में वन. I'll take UT separately, तब मैं बताऊंगा आपको सारी की सारी चीजें. ओके, हाँ जी बोले. राज्यसभा इज सेकेंडरी हाउस और सेकेंड हाउस. हाँ बोलो पंकज, सेकेंड हाउस. फर्क क्या है दोनों में? सही बोला आपने, फर्क तो बताओ. इंफीरियर, सेकेंडरी मतलब समथिंग विच इज सेकेंड इन डिमांड. सेकेंडरी सेकेंड है, प्राइमरी है इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस इज नॉट द केस दैट वी कंसिडर लोकसभा टू बी प्राइमरी एंड राज्यसभा टू बी सेकेंडरी. ऐसा नहीं है, बोथ आर इक्वल इन आर आईज. ठीक है, कैन यू प्रूव दैट दिस इज द केस? कैसे प्रूव करोगे दैट राज्यसभा इज नॉट सेकेंडरी हाउस, इट इज सेकेंड हाउस? एक तो स्पेशल पावर हैज बीन गिवन टू राज्यसभा, राज्यसभा हैज गॉट सम पावर्स विच आर नॉट इवन अवेलेबल टू लोकसभा, तो सेकेंडरी होने का तो मतलब ही नहीं. देयर इज नो रीजन टू फील दैट इट इज सेकेंडरी. यस, अब बिल्कुल, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑल दीज आर नॉट ओनली अप्रूव्ड बाय लोकसभा, इट इज ऑल्सो टू बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा. मतलब राज्यसभा हैज गॉट अ इक्वल स्टेटस एज लोकसभा. बट सेकेंड हाउस क्यों बोला है हमने? सेकेंड हाउस वी से बिकॉज समथिंग आर ओनली डन एट द लेवल ऑफ लोकसभा एंड देन इट इज अप्रूव्ड बाई राज्यसभा ऑल्सो. इन सम केसेज लोकसभा हैज गॉट सम पावर्स मोर, इन सम केसेज राज्यसभा हैज गॉट सम पावर मोर, बट ऑल इन ऑल लोकसभा हैज गॉट लिटिल बिट मोर पावर्स देन राज्यसभा. है ना? नाउ इफ दिस इज द केस, कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? हाँ बनी भी वो तो है. हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो यहां से भी आ सकते हैं ना, राज्यसभा से भी. नहीं नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप सही कह रहे हो, मगर वो तो दे कैन कंफर्म राज्यसभा आल्सो. बोलो सर, है क्वेश्चन आप समझे? हाँ, दिस इज द आंसर. द पीपल क्वेश्चन ये था दैट इफ वी गिव लिटिल बिट मोर पावर्स टू लोकसभा देन राज्यसभा, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? एक तरफ तो लिसन, ऑन वन हैंड यू से नो नो दे आर इक्वल, बट ऑन अदर हैंड यू गिव लिटिल बिट मोर पावर्स टू लोकसभा, जैसे कि मनी बिल कैन ओनली बी ब्रॉट हियर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी ब्रॉट हियर, सीओएम इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा नॉट टू राज्यसभा. नाउ इफ यू गेव मोर पावर्स टू लोकसभा, सम मोर पावर्स, व्हाई इट इज सो? करेक्ट, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, मीन्स लोकसभा हैज मोर डेमोक्रेटिक एलिमेंट देन राज्यसभा, एंड दिस डेमोक्रेटिक एलिमेंट शुड बी अप्रिशिएटेड इन डेमोक्रेसी. समझ आया आपको बात? लिखिए, राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज, राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज सेकेंड चैम्बर. सेकेंड मतलब दूसरा भाई, सेकेंड चैम्बर, एंड नॉट एज सेकेंडरी चैम्बर of parliament, and not as secondary chamber of parliament, unlike, अच्छा legislative council तो पता है आपको, no? You know what is legislative council? हाँ जी, आपको मालूम है ना council, legislative council. Is legislative council secondary house to legislative assembly? Yes. Can you support this answer? तो वो तो राज्यसभा में भी है, मनी बिल 14 डेज इफ इट नॉट पास बाय राज्यसभा इट इज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड टू पास.
एबॉलिश, बहुत बढ़िया, ये निर्माण वाली बात इन्होंने बोली, एस काउंसिल कैन बी एबॉलिश्ड एज वेल एज स्टैब्लिश ऑन द विल ऑफ असेंबली, बट देन राज्यसभा कैन नॉट बी एबॉलिश्ड, इट कैन नॉट बी स्टैब्लिश ऑन द विल ऑफ लोकसभा. तो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज सब्सिडरी टू लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उससे इंफीरियर है. ओके लिखें, अनलाइक लेजिस्लेटिव, आई टेक दिस अगेन, डोंट वरी, ये मैं दोबारा डिटेल में भी लूंगा. काउंसिल, अनलाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनलाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा कैन नॉट बी अबॉलिश्ड, कैन नॉट बी अबॉलिश्ड. इफ लोकसभा एंजॉयज, इफ लोकसभा एंजॉयज सर्टेन पावर्स, अगर लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा पावर है तो क्या परेशानी है. इफ लोकसभा एंजॉय सर्टेन पावर्स विच आर नॉट अवेलेबल टू राज्यसभा, विच आर नॉट अवेलेबल टू राज्यसभा, इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक कंपल्शन, डेमोक्रेसी है ना हमारे यहां पे, इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक कंपल्शन वेयर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ वॉट कंपल्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंपल्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द COM, वेयर द COM इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज अ रिवाइजरी चैम्बर प्रोहिबिटिंग लोकसभा फ्रॉम एनेक्टिंग हेस्टी लेजिस्लेशन. हेस्टी जानते हो, हेस्टी मीन्स इन अ हरी, हेस्टी लेजिस्लेशन. हाँ जी सर बोलो. देखो व्हाई वी कॉल राज्यसभा एज अपर हाउस, वी कॉल लोकसभा एज लोअर हाउस, द ओनली था एक्सपीरियंस भी है. मोरोवर आप ये देखो, लोकसभा इट इज डायरेक्टली इन टच विथ पीपल, भाई पीपल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली टू लोकसभा. तो फर्स्ट इट इज मोर इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, सो इट इज कॉल्ड एज लोअर हाउस. एंड राज्यसभा इज मोर रिच इन एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो इट इज कॉल्ड एज अपर हाउस. एंड दिस इज द वे इट इज राउंड द वर्ल्ड, वेर एवर यू सी पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल बोथ, द अपर हाउस, आई मीन द हाउस ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड एज अपर हाउस, एंड द हाउस विच हैज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द लोअर हाउस. ये ब्रिटेन में भी है, सो वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर. देयर हाउस ऑफ कॉमन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड एज अपर हाउस. बताया तो सर रेशनली, तो बताया भी आपको रेशनली, समझे आप. लोअर हाउस मीन्स अ हाउस विच इज मच नियरर टू पीपल डायरेक्टली, बिकॉज पीपल इलेक्ट ना द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस. वो तो एक्सपीरियंस की वजह से है, ये भी मैंने इनको बोला ना कि एक्सपीरियंस हेयर इज मोर, सो वी कॉल इट एज अपर हाउस. ये नाम दे दिया सर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रीजन दैट आई कैन यू नो आई गिव दिस नेम. हाँ ऐसे तो सब. हाँ बोलो बोलो. देखो चेयरमैन जनरली इज यूज्ड इन अ काइंड ऑफ, इट हैज अ जेंडर सेंसिटिव एलिमेंट, जेंडर पर्सन मतलब यूनिसेक्स,
समझ रहे हो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, इट कैन बी मेल ऑल्सो, बट देन हेयर ऑल्सो वी यूज इट इन द सेम वे, ऐसा कोई इंटरचेंजेबिलिटी इज यूज्ड। लिखो, राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज इट, दिस इज डन। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, राज्यसभा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रूटिंग टैलेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। टैलेंट जैसे कि रेखा, हेमा, जया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। राज्यसभा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रूटिंग टैलेंट्स एंड एक्सपर्ट्स इन फील्ड। कैन अ मेंबर फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ CUM? कैन अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ CUM? तो वैसे तो राज्यसभा मेंबर भी है, ही कैन बी, ही कैन बी, बट ही इज जनरली नॉट मेड। ओके, लिखो, राज्यसभा, ये हो गया, राज्यसभा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रूटिंग टैलेंट एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटी इन वेरियस फील्ड्स थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटी। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, all the constitutional amendment bills and all the three forms of emergencies, matlab national, state and financial, and all the three forms of emergencies proclaimed by the president shall have to be approved by Rajya Sabha। देखो, अभी तक व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन वाज काइंड ऑफ फॉर्मल थिंग। कैन यू गिव मी द रियल वैल्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के होने का असली फायदा क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म वेयर स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, पहली बात, चलो ठीक है, दिस इज डन। व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग राज्यसभा? हाँ, तजुर्बा भी है उनको। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। व्हाई डिड गवर्नमेंट कन्वर्ट यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल इनटू अ मनी बिल? क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट दिस बिल कैन इजीली बी पास इन लोकसभा बट इट कैन नॉट बी पास इन राज्यसभा। देन सेम प्रॉब्लम विद जीएसटी ऑल्सो had GST, I mean they knew very well that unless they have taken confidence into confidence of opposition, they will not be able to pass GST in Rajya Sabha. Constitutional amendment bill tha na wo, pass hota hi nahi wahan pe. So the issue is that Lok Sabha agrees with government because government itself is in majority. But since in Rajya Sabha government may have or may not have majority, jaise isi government ko le lo, this government till now is not having majority in Rajya Sabha. So its bill can get defeated here, however it is not a possibility here. So actually Rajya Sabha can keep a check on the misuse of power in the hands of government or not, because Rajya Sabha may not agree with the government. This is the beauty of Rajya Sabha. Likhe sir, importance of Rajya Sabha can be understood, keep reading what you're writing, can be understood from the fact that Lok Sabha generally agrees with government, वो तो उन्हीं की है सरकार, agrees with the government, and it is the Rajya Sabha that expresses a fair and balanced opinion on the policies of government.
एक बात बताइए, मॉरल प्रेशर आप जानते हो, प्यूनिटिव प्रेशर यू ऑल्सो नो. प्यूनिटिव प्रेशर मीन्स इफ यू डू समथिंग आई विल पनिश यू. मॉरल प्रेशर इज मतलब एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल. विच इज मोर इफेक्टिव सर, मॉरल है मॉरल प्रेशर? वैसे तो दोनों ही इफेक्टिव होते हैं, बट देन हेयर वी विल राइट मॉरल बिकॉज वी आर एप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, है कि नहीं है? समबडी सेड डू दिस इफ यू वॉन्ट, इफ योर कॉन्शियंस परमिट्स. उसने परमिशन तो दे दी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी. जी पाओगे अपनी जिंदगी? मतलब ही नहीं है. परमिशन तो आ गया, बट देन डिड इट नॉट ब्रिंग अ काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर? समझ रहे सर? समटाइम मॉरल प्रेशर कैन बी सो हैवी इट विल प्रिवेंट समबडी फ्रॉम क्रॉसिंग द लिमिट. ये चीज यहां पर भी है. राज्यसभा पुट्स अ काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर ऑन लोकसभा और नॉट? क्यों? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल हाउ यू से दैट राज्यसभा कैन पुट अ मॉरल प्रेशर ऑन लोकसभा इफ इन अ केस इट कैनॉट स्टॉप लोकसभा अदरवाइज? सर इन पासिंग ऑफ कौन सा बिल? जीएसटी? नहीं, आप बोलो इन पासिंग ऑफ मनी बिल. कैन राज्यसभा प्रिवेंट पासिंग ऑफ मनी बिल? नो. तो वो क्या करेगा? रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा. ही राज्यसभा विल सजेस्ट एन अमेंडमेंट इन द मनी बिल. राज्यसभा बोलेगा भाई देख लो, इफ यू प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस विल बी बेटर. नाउ इफ यू रिजेक्ट दोज अमेंडमेंट्स will not you face media also? Will not you face people also? You should have some reason by which you are ignoring Rajya Sabha. And if you ignore them for no reason, you will invite criticism or not. So this way, Rajya Sabha can put a moral pressure on the government, which if ignored by the government, can cause government to face the public ire. Samajh rahe na? Likho. Even though Rajya Sabha exercises moral control, even though Rajya Sabha exercises moral control on the government, it can be far more effective. It can be sometimes far more effective than controlling the, sorry, can be far more effective in controlling the COM. In controlling the COM than by any other mean. Breakup kya hai sir Lok Sabha membership ka? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना दिया हुआ है? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड. मीन्स इन लोकसभा यू कैन हैव दिस मच नंबर, इतने आप रख सकते हो मैक्सिमम, ओके, विदाउट गोइंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट वॉट इज रियलिटी? पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है इतना. कितना? 545. एंड वॉट इज द ब्रेकअप? दीज टू आर नथिंग बट नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज. को लिखते जाओ. 530 फ्रॉम स्टेट्स, दे आर इलेक्टेड. And these 13 are from union territories. Okay. Every UT has got representation in Lok Sabha. Remember this. But are UTs having representation in Rajya Sabha also? Two. Delhi and Pondicherry. ठीक है? लिखें सर.
सात सीट वेस्ट नहीं हो गया, व्हेन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज विल गिव मोर रिप्रेजेंटेशन. अभी ये पॉपुलेशन के हिसाब से बना हुआ है ना, अपने मन से नहीं बनाया हुआ हमने. इट इज एज पर द फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल इंक्रीज, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी विल हैव मोर एमपीज, देन दैट विल इंक्रीज. और जिस दिन आप 20 पे पहुंच जाओगे एंड यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दैट, देन यू विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, राइट डाउन. लोकसभा इज द पॉपुलर चैम्बर. What is the, is there a limit on the strength of COM? 50% of total strength of total strength kiski? Lok Sabha. Cabinet to aur bhi kam hoga sir. COM maximum strength cannot be more than 15% of the strength of Lok Sabha. It was brought by which amendment act? Bahut badhiya sir, bahut acha. Maintain this momentum. Write down. Lok Sabha is a popular chamber of parliament. Because bulk of the members, bulk matlab major, Lok Sabha is a popular chamber because bulk of the members are elected directly by people from single member territorial constituency. Single member territorial constituency. What is the basis of representation of MPs from the state in Lok Sabha? Territorial constituency. And what is the basis of representation of MPs in Rajya Sabha? Population. Let me tell you, cheeze wohi hai, but names are different. Agar aap dekho to. Theek hai sir? Try to understand this, and if you do not understand this, you can ask me tomorrow. I want you also to do some part of your work. Then, special powers of Lok Sabha. Special powers of Lok Sabha. Bola bhau. Money bill can be brought only in Lok Sabha. But is it passed in Rajya Sabha? It has to be passed in Rajya Sabha. Or if it is not passed, it will be deemed to have been passed in Rajya Sabha. But role to hai na money bill ka. Question agar aa gaya, is Rajya Sabha having role in money bill? Yes or no? Yes. Yes. Role to hai, but it does not, it cannot obstruct a money bill. But role to play kar hi raha hai na. Likho. First, no confidence motion. No confidence motion. No confidence motion. Matlab, no faith in government. No confidence motion can be introduced. No. Only in? No confidence motion can be introduced and passed against. Can be introduced and passed against the COM only in Lok Sabha. Next, we are doing the special power of Lok Sabha. Then, Lok Sabha enjoys overriding. Overriding matlab exceptional. Overriding powers with respect to passage of overriding powers with respect to passage of money bill. Can Rajya Sabha amend the money bill? No. It can only suggest amendment. Actually, dekho, why I ask you this kind of question? Because in prelims, he will put a word. That word will have a bearing on the answer. In journal, मैं आपको बोल नहीं सकता क्या वो पूछेगा, but the way he has put the question will decide the answer. ठीक है ना? Lok Sabha has overriding powers in the passage of money bill, and Rajya Sabha cannot reject or amend. ये notes आपको जो लिखा रहा हूँ ना sir, every word will have a bearing in exam. Do not ignore these language. Rajya Sabha cannot reject or amend a money bill.
राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, दोनों पे अंडरलाइन कर लो, कैन रिजेक्ट और अमेंड, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा. इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. और कोई पावर सर खास? हेड ऑफ द स्टेट इज डिसाइडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट. कौन है हेड ऑफ द स्टेट? है प्रेसिडेंट. देखो मतलब आप सीएम की बात कर रहे हो ना, सीओएम इज नॉट ओनली टेकन फ्रॉम लोकसभा, इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम. अच्छा हाँ दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. The government which comes in majority in Lok Sabha will actually form the government. The party which is in majority in Lok Sabha will form the government. Bilkul sir, no doubt. Aur kuch? In joint session of Lok Sabha, Rajya Sabha? Kaise? Yes. In, haan, speaker. First of all, in the joint session, it is a speaker Lok Sabha. Who presides the meeting? Presides मतलब who runs the meeting? Okay, so Lok Sabha chairman, sorry, Lok Sabha speaker, he presides the joint sitting. Secondly, I said correctly, in joint sitting, who will have the majority? Lok Sabha, overriding power ही है. As he said very correctly, COM is responsible to Lok Sabha, not to Rajya Sabha. मतलब Lok Sabha can remove the government. Actually, जो no confidence motion लिखा था, this was the only reason I wrote that. इसको फिर भी आप लिख लो. COM is responsible to Lok Sabha. But it does not mean the members cannot come from Rajya Sabha. COM is responsible to Lok Sabha. Next, in the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha, the Speaker Lok Sabha acts as the presiding officer. Or kuch? Any special power of Lok Sabha? Disqualification of member mein Lok Sabha ke kya role hai? Speaker only disqualifies the member or the presiding officer? तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर तो उधर भी है, चेयरमैन प्रेसाइडिंग ऑफिसर सर. बजट तो मनी बिल हो गया ना, इस बजट का मनी बिल. यस सर, दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम आल्सो, बजट इज अ मनी बिल. राइट डाउन भाई, देखो नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड अंडर विच आर्टिकल 352. इफ नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड एंड वी हैव टू डिसकंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी, कैन राज्य सभा डिसकॉन्टिन्यू द नेशनल इमरजेंसी इन बिटवीन? इमरजेंसी चल रही है, कैन राज्यसभा डिसकॉन्टिन्यू इन बिटवीन एनी टाइम? नो. कैन लोकसभा डिसकॉन्टिन्यू द इमरजेंसी? यस. लोकसभा कैन कट और कट शॉर्ट द इमरजेंसी इन बिटवीन, राज्यसभा कैन नॉट. चलती हुई इमरजेंसी को रोकने की पावर सिर्फ लोकसभा के हाथ में है, राज्यसभा में नहीं है. लिखो, अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन सीकिंग द resolution seeking the disapproval of continuation of national emergency can be introduced and passed only in Lok Sabha. स्पीकर लोकसभा, स्पीकर लोकसभा स्पीकर लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा ओनली. एंड हाउ इज ही इलेक्टेड? बाय लोकसभा, राज्यसभा और बोथ? बाय द मेंबर्स ऑफ ओनली
लोकसभा. स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वेयर एज चेयरमैन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, बिकॉज चेयरमैन राज्यसभा इज नोबडी बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत अच्छे लिखो. स्पीकर इज इलेक्टेड, स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस. हाउस मीन्स लोकसभा. स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स. फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स. हाँ जी, यस यस, ही विल बी फर्स्ट एमपी. एमपी तो पॉलिटिकल पार्टी से होगा. ओके, इफ द स्पीकर इज फ्रॉम द विनिंग पार्टी देन द डिप्यूटी स्पीकर विल बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्पीकर विल बी ओनली फ्रॉम विनिंग पार्टी. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. यू कैन हैव अ स्पीकर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी ऑल्सो, बट देन इट विल नेवर हैपन. बाउंडेशन कोई रोक नहीं है, है ना? बट देन विल बीजेपी आस्क अ कांग्रेस पर्सन टू बिकम द स्पीकर? क्यों? यस, बिकॉज स्पीकर हैज गॉट सम डिस्क्रिशनरी पावर. फॉर एग्जाम्पल कास्टिंग वोट भी है और मनी बिल. मनी बिल कौन डिक्लेयर करता है? स्पीकर को. तो स्पीकर अपना आदमी हो तो अच्छा है ना. सो नो गवर्नमेंट विल आस्क फॉर अ स्पीकर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी. सो गवर्नमेंट इन पावर विल ब्रिंग इट्स ओन स्पीकर ओनली, क्योंकि मेजोरिटी में तो वही है ना. ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लिखे स्पीकर एंड द स्पीकर लोकसभा. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर? कितना होता है? 6 years. हाँ जी बोलो. हाँ सर बताओ. बहुत बढ़िया. स्पीकर विल बी इन ऑफिस टिल द टाइम न्यू गवर्नमेंट एंटर्स. बाकी सब चले जाएंगे, वो रहेगा, है ना? तो उसका टेन्योर 5 years नहीं है. हाँ सर, वो प्रोटम अभी बताऊंगा, आप पहले लिखो प्रेजाइडिंग ऑफिसर. अच्छा, इज वो जो रिमूव होता है स्पीकर, इज ही रिमूव्ड बाय लोकसभा और राज्यसभा और बोथ? ओनली लोकसभा, बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट सर रिमूव्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा और बोथ? इज रिमूव्ड बाय बोथ. मगर स्पीकर लोकसभा इज रिमूव्ड ओनली बाय लोकसभा, बिकॉज स्पीकर लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का. ठीक है सर, लिखो प्रोटम. प्रोटम कमलनाथ हाउस प्रोटम लिखो. हाँ अभी तो कौन है? लिखे स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस. स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस by MPs of Lok Sabha through a resolution passed by which majority? हाँ जी, which majority? कितना? इफेक्टिव मेजोरिटी. जानते हो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी इन द हाउस. वैकेंसी नॉट बिकॉज ही इज एट होम, बट ही मे बी गॉन. लिखो ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी. I have explained you what is effective majority much many times. Effective majority of Lok Sabha. However, a 14 days notice. However, a 14 days notice is given before such a resolution is passed. And the resolution should be supported by how many members? 50 members. Very good. 50 members. 50 should be supported by 50 members. Acha, if I am to be removed, you gave me notice.
Will I become presiding officer then? Who will become presiding officer? Deputy speaker. अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि I mean I am being removed during the session, deputy speaker will become the presiding officer. Obviously मेरे removal में थोड़ी ना वो करूँगा, पता चला tie हो गया, casting vote डाल दिया against. This is problem. But then tell me, if suppose vice president speaker he is out of India, tour पे गए हुए, vice president will become the speaker, deputy speaker will become the speaker. What if the speaker has left the world, vacancy हो गई है, will not the deputy speaker keep working as speaker? फिर new elections will be done and new person will be brought. Speaker की जगह if there is a permanent vacancy can only be taken by a speaker, not by deputy speaker. However, deputy speaker fills the place only when it is a temporary absence. Deputy speaker can fill the absence of speaker. He cannot fill the vacancy of speaker. Vacancy matlab he has resigned or he has been removed or he has gone up. ठीक है सर, देखो. और वो अपना resignation किसको देगा? हाँ जी बोलो आप. Speaker किसको अपना resignation देगा? Deputy speaker को. और deputy speaker? Speaker को. You give me resignation, I'll give you my resignation. दोनों भाई भाई resign करके चले जाएंगे. लिखो. Speaker gives his resignation to DS. Speaker gives resignation to Deputy Speaker. Speaker performs two functions. दो काम करता है वो. First, as a presiding officer of the house. Speaker is the presiding officer of the house. What is the other function performed by the speaker? ये लोकसभा है. लोकसभा, I told you, has an office to support it. क्या बोलते हैं उसको? Yes, लोकसभा secretariat. Who is the senior most bureaucrat here? He is called as Secretary General Lok Sabha. But over to Secretary General also, there is somebody who is nobody but the Speaker Lok Sabha. Speaker Lok Sabha is actually the overall head of Secretariat Lok Sabha. ठीक है ना? अब देखो, Secretary General is a civil servant. ये तो bureaucrat है. Whereas Speaker is a politician. ठीक है ना? So he, Speaker is also the head of Secretariat to Lok Sabha. सेक्रेटरी जनरल सुना है सर आपने कभी इससे पहले? नहीं सुना. ही इज अ रिटर्निंग ऑफिसर इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. बहुत अच्छे. लिखो. पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री तो अलग ही मिनिस्ट्री है. इनका काम है ओनली टू गिव सपोर्ट टू द वर्किंग ऑफ लोकसभा. पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम सिर्फ लोकसभा को सपोर्ट करना नहीं है. इट हैज टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ ओवरऑल पार्लियामेंट, नॉट लोकसभा और राज्यसभा. ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंस का समझते हो ना मतलब क्या होता है? चिट्ठी पत्री वगैरह ये मैनेज करते हैं इनकी. लिखो. एज अ प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, ही परफॉर्म्स टू फंक्शंस. फर्स्ट, ही इज द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. सेकंड, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरियट अटैच टू लोकसभा. Can anti-defection law be put against the speaker? उसने ऐसे क्या पुण्य काम करे हैं? Yes, he is a political member. वो भी तो defect कर सकता है ना. He can change the group. He can go from BJP to Congress or Congress to BJP. Anti-defection law can be put on him also. And once anti-defection law is put, he has to leave his office also. Speaker भी नहीं रहेगा वो. Was Somnath Chatterjee, was he brought under anti-defection law? No, that is okay. But you can vote against the party unless the party condone your action. In some cases, you can vote even against your party, sir. So, anti-defection law lag gaya na? Answer my question, sir.
Was he expelled under anti-defection law? लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट अटैच टू द लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट अटैच टू लोकसभा एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर द स्पीकर परफॉर्म्स एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर द स्पीकर परफॉर्म्स द सॉवरेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का काम करता है वो लेजिस्लेचर इज द स्पीकर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ पंकज जी आप बताओ आपकी बात मान लेंगे इज ही आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ यस आप ये बताओ इज ही आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट He is not answerable to the court of law for the discharge of his duty. मतलब if I declare the bill, अभी देखो हुआ क्या था in Uttarakhand. हाँ जी समझा लिया तो मैं समझाऊंगा आगे In Uttarakhand assembly. The speaker, sorry, in Uttarakhand assembly, the speaker, he did what? Appropriation bill was brought, मतलब budget लेके आए Uttarakhand assembly के अंदर. Government opposition party they said this budget will not pass because the government own MLA they are not with the government. तो इसमें voting करा लो. Who said opposition? They said you please allow a voting on this budget. The speaker did not allow voting by strength. He allowed voting by voice vote. And this budget was considered to be passed. Voice vote mein malum nahi padta ki actually how many people favored or went against the government. Okay. We just made a general perception ke this is more in the favor. Jaise main aapse poochta hu, is it yes or no? Now I can judge whether you are saying yes or no. So he by voice vote, he allowed this budget to be passed. Ab ye dekho, ye kaam galat kiya unhone. When he got in writing, That sir, the party MLAs are against the budget. Should not he have gone for proper voting? But उन्होंने ऐसा नहीं किया. And when he did not do so, a case was filed against him in Supreme Court that he misused his office and he did not bring voting when voting was required on an issue. Did and court also agreed कि हाँ कुछ problem तो थी. But did court take action against him? No. However, if court wanted, court could have overturned his action. कोर्ट ने इनके एक्शन को उलट देना था बट कोर्ट डिड नॉट डू सो बट इन नो केस कोर्ट कुड टेक एक्शन अगेंस्ट स्पीकर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब यह है क्वेश्चन विल नॉट बी रेज्ड ऑन स्पीकर व्हाई यू डिड सो हाउएवर वी कैन अनडू हिज एक्शन ऑल्सो जैसे कि प्रेजिडेंट ही पुट्स इमरजेंसी इन द स्टेट फॉर पुटिंग इमरजेंसी इन द स्टेट इज ही आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ नो वी विल नॉट पनिश द प्रेजिडेंट कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई However, if we feel the emergency was wrongly put, we can reverse the emergency. We can undo the action of speaker. We can undo the action of president. But we cannot punish them for their action because while as speaker, they are free to do what they want. But then review of the action can take place. Ye yaad rakhna, judicial review of their action, possible or not? Yes, but they will not be punished for that action even if it is found wrong. ठीक है सर जैसे कि सुमित्रा महाजन सम टाइम बैक शी ऑर्डर्ड सम एमपीज फ्रॉम अपोजिशन टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द हाउस इनको भगा दो बहुत शोर मचा रहे थे नाउ फॉर दिस कैन वी सू सुमित्रा महाजन नो नो बडी कैन बिकॉज व्हाट शी डिड इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ स्पीकर एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन द एक्ट ऑफ स्पीकर हाउएवर यू कैन अंडू द एक्ट इफ दैट एक्ट इज फाउंड टू बी मालाफाइड लिखे As the presiding officer, he is not answerable to the court of law. He is not answerable to the court of law. As the presiding officer, he is not answerable to the court of law for the discharge of his function. But as administrative head,
ऑफ ऑफ लोकसभा नहीं, सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ. जैसे कि लेट्स से लोकसभा इज वर्किंग, लोकसभा विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कौन देगा लोकसभा को? लोकसभा सेक्रेटेरिएट. इफ सपोज लोकसभा सेक्रेटेरिएट सप्लाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू लोकसभा, गलत इंफॉर्मेशन दे दी लोकसभा को, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? इट विल बी द स्पीकर, बिकॉज स्पीकर ओनली इज द बॉस ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट. यहां वो आंसरेबल हो जाएगा एंड इस कोर्ट कैन पनिश हिम ऑल्सो. और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द सेक्रेटेरिएट. कभी आपने सुना लोकसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर, एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट. इफ देयर इज करप्शन इन एग्जाम सिस्टम, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? स्पीकर. ठीक है, सो स्पीकर कैनॉट बी हेल्ड आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज स्पीकर, बट ही कैन बी हेल्ड आंसरेबल एज हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट. लिखो, बट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, बट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पीकर इज असिस्टेड बाई डेप्यूटी स्पीकर, बट एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पीकर इज असिस्टेड बाई डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर इज असिस्टेड बाई डेप्यूटी स्पीकर हु प्रिजाइड्स ओवर लोकसभा इन हिज एब्सेंस. स्पीकर साहब अभी है नहीं, एब्सेंस. अच्छा, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर? हाँ, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर के दर्जे के हैं सर. ठीक है ना, लिखो. अच्छा, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? बराबर नहीं है. कैसे पता चला? यस, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो इज द फर्स्ट सिटीजन एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड सिटीजन, वेर एज दिस डिफरेंस इज नॉट हियर. हाँ सर, बोलो, आप बोलो. बिल्कुल, जब वो स्पीकर बनाए तो वो पूरा स्पीकर है. लेट इट बी, कोई टेंशन नहीं उसके. जनरली डेप्यूटी स्पीकर इज चोजन दैट पर्सन ओनली ऑन हूज ऑनेस्टी यू हैव सम फेथ. ऐसे आदमी को आप भी चूज नहीं करोगे, है कि नहीं है? एंड देन यू कैन अगेन गो टू कोर्ट अगेंस्ट हिज एक्शन. कोर्ट मे नॉट पनिश डेप्यूटी स्पीकर, बट कैन नलीफाई दिस बिल अगर उनको लगेगा ये ग्रॉसली गलत था तो. ठीक है सर. हाँ जी, कुछ कह रहे थे ना आप? हाँ, तो कास्टिंग वोट है तो क्या हुआ? इस हिसाब से मैं देखूं तो वो कम इंपॉर्टेंट हुआ. भाई डेप्यूटी स्पीकर तो रेगुलर वोट कर ही रहे, तो रेगुलर वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कास्टिंग? जो कभी कभी आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना. लिखो, डेप्यूटी स्पीकर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज हेल्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स इज हेल्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर. स्पीकर के इलेक्शन के बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है. फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स मीन्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस. डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाई स्पीकर. सारे काम इलेक्शन कमीशन करेगा तो स्पीकर क्या करेगा? आराम. डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर. इफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एबसेंट तो वेरी गुड, बहुत अच्छे. इफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एबसेंट,
इफ डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी को. इफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एबसेंट देन द ड्यूटी ऑफ स्पीकर इज परफॉर्म्ड बाई अ पर्सन अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट. एंड राइट द लास्ट लाइन ऑल्सो, ये भी जरूरी है बिकॉज लेटर यू विल फॉरगेट. डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट ऑफिसर. Deputy Speaker is not subordinate officer to Speaker. Special powers of Speaker. First, बताने की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी सर बताओ आप. हाँ स्पीकर मनी बिल बहुत अच्छे. राइट डाउन द स्पीकर सर्टिफाइज द स्पीकर. पहले बड़ी बात बोला करो. द स्पीकर सर्टिफाइज दैट. स्पीकर सर्टिफाइज दैट अ बिल इज अ मनी बिल. कौन सा बिल मनी बिल है ये स्पीकर डिसाइड करता है. एंड हिज डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग. स्पीकर डिसाइड्स दैट द बिल इज अ मनी बिल एंड हिज डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग. सेकेंड स्पेशल पावर्स हैं ये. वेरी गुड. ही प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग. लिख लो. ही प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट एनी अदर पावर विच इज अ. हाँ सर. यार एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिसाइडेड बाय द स्पीक चेयरमैन राज्यसभा ऑल्सो. एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस ही है. स्पेशल पावर मतलब द पावर विच आर गिवन ओनली टू स्पीकर लोकसभा बट नॉट टू चेयरमैन राज्यसभा. ये काम तो वो भी करता है ना यार. कोई ऐसा काम जो नॉट डन बाय राज्यसभा चेयरमैन. यस दिस हैपेंस व्हेन यू स्टडी थॉरोली. देखो कमिटी. यू नो व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटी. क्या होती है सर जानते हो. जरूरत क्या पार्लियामेंट्री कमेटी रखने की. यस स्पेशलाइजेशन होती है. पार्लियामेंट इज सच अ बिग इंस्टीट्यूशन. ऑन वन डे व्हेन पार्लियामेंट विल सिट इन लोकसभा राज्यसभा कैन दे सिट फॉर फ्यू आवर्स एंड डिस्कस ऑन इन डिटेल अ पर्टिकुलर इशू. जैसे कि लेट्स से जीएसटी. व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जीएसटी. कैन दिस बी डिस्कस इन लोकसभा. वो तो कुर्सी तोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर मार मार के. दे फर्स्ट ऑल कीप फाइटिंग. और कुछ लगे होंगे टीवी देख रहे होंगे मोबाइल में बैठ के. सो दिस वे सिंस दे डू नॉट मोस्टली मेंटेन डेकोरम एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव एक्सपर्टीज टू स्टडी अ इशू इन एंड आउट. दे डेलीगेट दिस वर्क टू स्मॉल स्मॉल एक्सपर्ट ग्रुप्स विच आर कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री committees. Though it is also composed of member of parliaments only, but then parliamentary committee can invite bureaucrats to take help of theirs in understanding an issue. Can you call a bureaucrat to parliament? No. But then you can call a bureaucrat to parliamentary committee, which will help them understand the issue. Bureaucrats samajhte hai na, aur wo samjha bhi denge. Now see, parliamentary committee will have a chairman. Most of the parliamentary committee's chairman is appointed by स्पीकर लोकसभा. ये याद रखना. मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर. एंड इफ स्पीकर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी देन ही विल इनवेरिएबली बिकम द चेयरपर्सन. हाँ अगर स्पीकर खुद उसका मेंबर है तो वो अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा. ये स्पेशल पावर है. दिस इज नॉट गिवन टू चेयरमैन राज्यसभा. लिखो. पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट एवरी इशू. कैन नॉट डिस्कस एवरी इशू इन डिटेल. जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है. नाउ द एजेंडा बिफोर लोकसभा इज दैट शुड वी कन्वर्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इनटू फर्स्ट यूज पॉलिसी और नॉट. है कि नहीं है. मनोहर पारिकर सेड दिस ओनली. नाउ दिस इशू कैन यू आंसर इन येस और नो. नो दैट विल रिक्वायर अ होल डिटेल एनालिसिस. विल पार्लियामेंट हैव दिस टाइम. टाइम ही नहीं उनके पास. दे सिट फॉर ओनली फ्यू डेज इन सेशन. And that too, in those sessions, they have to fight also. They have to discuss other issues also. भाई यही issue थोड़ी ना.
अदर एजेंडाज ऑल्सो आर देयर, सो दे विल हैव वेरी लिटिल टाइम टू डिस्कस दिस, बट देन दिस इश्यू रिक्वायर्स इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस और नॉट, सो दे विल गिव दिस वर्क टू अ कमिटी ऑफ एमपीज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कमिटी. ये मैं लूंगा, अलग से भी लूंगा. Yes, yes, yes. It can have Rajya Sabha members, but the chairman will be decided by the speaker, Lok Sabha. It will have members from both Lok Sabha as well as Rajya Sabha, depending on the nature of the committee. Likhe, the committee of parliament, committees of parliament or parliamentary committees. This is very good point for pre. Committees of parliament are essentially, committees of parliament are essentially the committees of Lok Sabha. And they essentially function under the control of Speaker. If the chairperson of any parliamentary committee is to be appointed or nominated, it is a speaker who does this. वो अपॉइंट करता है कमिटी के हेड को. इट इज अ स्पीकर हु डज दिस. स्पीकर मतलब ओनली स्पीकर, नॉट द चेयरमैन. इट इज अ स्पीकर हु डज दिस. नेक्स्ट, इफ स्पीकर हिमसेल्फ is a part of a parliamentary committee, then he becomes, if the speaker himself is a part of any parliamentary committee, then he himself becomes the ex officio chairperson of that committee. If he acts as a speaker, not as a deputy speaker. Special position of the speaker. Number of committees. Which committee? Parliamentary committee are two type, permanent as well as temporary. हेड मतलब उनके चेयरमैन को हेड करेगा, एक्सेप्ट फॉर टू और थ्री कमिटीज वेयर चेयरमैन राज्यसभा डज सो. ठीक है, ये मैं लूंगा अलग से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं. स्पेशल पोजीशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की खास पोजीशन, राइट डाउन वन लाइन, स्पेशल पोजीशन ऑफ द स्पीकर. दिस वॉज एक्चुअली डिस्कस बाय हिम सम टाइम बैक, लेट मी रिपीट. देखो सर, लोकसभा इलेक्शन हेल्ड, दिस ओल्ड लोकसभा गॉन, न्यू एमपीज विल कम. सारे नए एमपी आएंगे या ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट? हां जी, ऑल द एमपीज विल बी न्यू. पुराने वाले सारे चले जाएंगे बिकॉज देयर टेन्योर इज ओवर बाई 5 years. सो ओल्ड एमपीज विल लीव लोकसभा, न्यू एमपीज विल कम. नाउ दिस स्पीकर वॉज पार्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट, ही शुड ऑल्सो लीव और नॉट अलॉन्ग विद द रिमेनिंग 544 members. भाई 544 प्लस स्पीकर 545 हो गए ना. When this new government will come, will this 545 members will leave or they will leave speaker behind? Speaker will be left behind and only 544 members will leave the house for the new people to come. What is the reason? Sir? हाँ सर बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? हाँ जी बोलो. विल ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग? To represent the
बहुत बढ़िया। अरे आप ये देखो, लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व और एबॉलिश्ड। डिसॉल्व हुई है ना इंस्टीट्यूशन, लोकसभा विल रिमेन देयर और नॉट? भाई ये मैंने, आई जस्ट एम्प्टीड द वॉटर बट द ग्लास स्टिल एग्जिस्ट, राइट और रॉन्ग? बट देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड लोकसभा। नाउ इफ लोकसभा इज गेटिंग एम्प्टीड, देयर शुड बी समबडी, समबडी अलाइव टू टेल द पीपल दैट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज अलाइव। इंस्टीट्यूशन हैज नॉट कम टू एन एंड। Who is that somebody? Speaker. So formally he remains behind to tell the people that this institution is still alive. It has not been abolished. Institution to zinda hai. When the new people will come, I will welcome them and then I will also leave. Okay, likhe. Haan, kya ruling party jayegi? हाँ बंदा रखेगी, कोई टेंशन नहीं, उसको भी जाना पड़ेगा, ही विल गो। बट देन रूलिंग आए या अपोजिशन आए, उसे कोई मतलब नहीं है। ही रिमेन्स हेयर एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉट एज अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। वो सिर्फ इतना सिग्नल कर रहा है कि ऐसा नहीं कि खाली हो गया है। स्पीकर कैन नॉट बी री इलेक्टेड एज अ स्पीकर, ही कैन फर्स्ट बिकम एम पी एंड देन ही विल अगेन बी इलेक्टेड। मीन्स जस्ट बिकॉज ही वॉज स्पीकर अर्लियर, इट डज नॉट मीन दैट ही विल रिमेन स्पीकर नाउ ऑल्सो। अगेन इलेक्शन विल टेक प्लेस एंड देन ही कैन बिकम, वो कोई बार नहीं है। री इलेक्शन कैन टेक प्लेस बट देन थ्रू द सेम प्रोसीजर। ओके, यस, ही हैज टू बी एन एम पी ऑल्सो, ही कैनॉट लूज इलेक्शन एंड रिमेन स्पीकर। ठीक है, when Lok Sabha is dissolved, when Lok Sabha is dissolved, all the members of Lok Sabha, when Lok Sabha is dissolved, all the members of Lok Sabha cease matlab stops, cease to be the members, cease to be the members of the house. However, the speaker continues in his office till the next election, sorry, till the next Lok Sabha is constituted. The speaker continues in his office till the next Lok Sabha is formed or constituted. This is because, ye isliye hai, because when Lok Sabha is dissolved, this is because when Lok Sabha is dissolved, Lok Sabha as an institution has not come to an end. As an institution has not come to an end. भाई देखो, अब जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, when your batch will be over, will Vision IS shut down the shutter? No. At least they will leave one or two person, so that they can tell the other people that Vision IS still is alive, only it is dissolved. New batch will come and we will do the proceeding the same way. Hai ki nahi sir? Aise hi hai ye bhi. This is this is done. Come to an end likh liya na aapne. Therefore the speaker continues. Therefore the speaker continues in the office. Therefore the speaker continues in the office to represent Lok Sabha. If an MP has to resign from Lok Sabha, he will give his resignation to whom? Speaker. Or Rajya Sabha kisko dega? To chairman. This is also the work of presiding officer. To accept the resignation of the members is the work of presiding officer. If somebody resigns from Lok Sabha, he will give the resignation to speaker. If somebody resigns from Rajya Sabha, he will give the resignation to. Ye bhi kaam hai kiska? Presiding officer ka. Pro tem speaker kya cheez hoti hai? Batao sir. Haan ji.
हाँ जी आप बोलो जल्दी से बताओ, प्रोटोन स्पीकर क्या चीज है? हाँ व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटोन स्पीकर? यस इलेक्शंस डन, ओल्ड एमपीज वी लीव द हाउस. ऑफ कोर्स ओल्ड एमपीज तो जाएंगे, दे कैन अगेन कम, जो जीतेंगे वो तो दोबारा आएंगे, बट द सिस्टम विल मूव आउट और नॉट. 544 मेंबर्स विल लीव, दे विल लीव बिहाइंड द स्पीकर. ओके नाउ अनदर मेंबर विल कम, कितने? 545 वो आ जाएंगे. नाउ दिस 545 मेंबर्स विल कम एंड द मोमेंट दे विल कम हु विल लीव? स्पीकर. ये चला जाएगा आप, डन ये निकल गया. नाउ फ्रॉम दिस 545 मेंबर्स इनमें एक जामवंत होगा. जामवंत समझते हो? सीनियर मोस्ट एमपी इन टर्म्स ऑफ नॉट एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. एंड दिस सीनियर मोस्ट मेंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही कैन बी फ्रॉम एनी पार्टी, विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटम स्पीकर. प्रोटम स्पीकर मतलब टेम्पररी स्पीकर. जैसे कि इन दिस लोकसभा इट वॉज कमलनाथ हु एक्टेड एज द प्रोटम स्पीकर. इसका इलेक्शन नहीं हुआ है सर, ही इज एक्चुअली हिज नेम इज रिकमेंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बोल देती है दैट अमंग यू ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, यू कैन मेक हिम द प्रोटम स्पीकर. एंड दिस प्रोटम स्पीकर ही विल बी वन ऑफ दिस 545 मेंबर्स और नॉट? यस. एंड हिज वर्क इज टू प्रोवाइड द ओथ टू ऑल दीज न्यू मेंबर्स. ओथ कौन दिलाएगा? प्रोटम स्पीकर, नॉट द प्रीवियस स्पीकर. एंड हु इज द न्यू स्पीकर? वी डू नॉट नो, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए उसकी, है ना. सो हिज एंड ही प्रोटम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. हिज वर्क इज टू प्रोवाइड द ओथ टू ऑल दिस एमपीस, है ना. एंड हु विल प्रोवाइड ओथ टू प्रोटम स्पीकर? प्रेसिडेंट. हु विल प्रोवाइड ओथ टू द स्पीकर? प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट. हाँ सर आप बताओ, आपकी बात मानेंगे जल्दी. कौन? प्रोटम स्पीकर. स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दे डू नॉट टेक एनी ओथ एज अ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. दे ओनली टेक एज ओथ एज एमपी. स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, वो एमपी की ओथ लेगा. एंड हु विल प्रोवाइड देम दैट ओथ? प्रोटम स्पीकर. ओके. हाउएवर प्रोटम स्पीकर टेक्स oath conducted by the president. लिखे ये लोग आपस में कर लेते हैं, they manage. हाँ नहीं नहीं नहीं, he will not decide the date. हाँ जी सर. टू वो कैसे होगी? हाँ यार रिप्रेजेंटेशन तो है. मैंने अभी आपको क्या बोला, द मोमेंट दे विल एंटर ही विल लीव. एक टाइम में तो एक ही है ना, समझ रहे हो सर? एक टाइम में एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रहेगी, समझे? बिकॉज जैसे ही वो आएंगे ये जला जाएगा बाहर. यू आर स्टडिंग विद योर फ्रेंड इन योर होम, फादर वॉज नॉट देयर. The moment father will arrive, friend will leave or not? लिखो. Protem speaker appointed by the president. Protem speaker appointed by the president. He is generally the senior most member. He is generally the senior most member of the newly elected Lok Sabha. He is generally the senior most member in newly elected Lok Sabha in terms of number of years served as member Lok Sabha. Served as member Lok Sabha. He is the senior most member of the newly elected Lok Sabha in terms of number of years
served as member Lok Sabha. President administers oath to him. He conducts the oath, administers oath to Pro Tem Speaker. He performs two functions. First, Pankaj, batao, pehla kaam kya hoga inka? Oath to new MPs. Very good. He conducts the oath. Pro Tem Speaker conducts the oath of office to the newly elected members of Lok Sabha. Conducts the oath of office to the newly elected members of Lok Sabha and thereafter preside over the elections of Speaker of Lok Sabha. हाँ, he can contest. Even Pro Tem Speaker can contest as a speaker. कोई problem नहीं उसमें. Pro Tem Speaker can be from opposition. अभी कमलनाथ है, he is from Congress, so he is from opposition or not? ऐसा कोई foundation नहीं है. Tenure Lok Sabha is normally 5 years. Tenure of Lok Sabha is normally 5 years. However, can be dissolved. However, it can be dissolved before 5 years also. Normal tenure of Lok Sabha is 5 years. However, can be dissolved before 5 years also. Its life can be extended. Lok Sabha ki zindagi 5 saal se zyada ho sakti hai kya? National emergency, very good. And emergency ke time kitne time badh sakti hai? 1 year. Yes, yes, bahut badhiya. At a time, yes. The life can be extended beyond 5 years. The life of Lok Sabha can be extended beyond 5 years for a period not more than 1 year. For a period not more than 1 year at a time of national emergency. Disqualification of MP, second last topic of the day. 15 minutes more, so enjoy 15 minutes more and answer this. Disqualification of MP, article, and I'll take anti defection separately. Wo alag se lunga main. Abhi I'll take only disqualification. Article, batao sir. On advice of? Huh? Done by? Karega kaun? Speaker ya presiding officer? I said presiding officer because even chairman Rajya Sabha can disqualify an MP. MP to wo bhi hai, wo bhi to disqualify ho sakte. Okay, presiding officer. Theek hai Pankaj ji? People can be disqualified from the house by two people. One is president or it is presiding officer. Presiding officer of Lok Sabha or Rajya Sabha. There are different grounds. There are different grounds for applying this. On what grounds? The presiding officer can disqualify an MP? Huh? Anti-defection law. Only on the grounds of anti
डिफेक्शन ओन सॉरी ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. अगर आपने पार्टी बदली देन यू कैन बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. कौन सा शेड्यूल है सर? दो बार आ चुका है सेम क्वेश्चन. टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन और टेंथ शेड्यूल में है. ओके एंड आर्टिकल 102 क्लॉज 1 व्हिच इज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट हैज फर्दर क्लॉजेस. 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी सब क्लॉज डी. वॉट इज 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए? प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाई समबडी इन अंडर आर्टिकल 102(1)(a) अंडर विच ग्राउंड? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इफ एन एमपी इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. कौन है मेंटली अनस्टेबल? क्या हुआ पंकज जी? लिखे आर्टिकल ऐसे तो हेडिंग दो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1. अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एन एमपी इज डिस्क्वालिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. अंडरलाइन कर लो प्रेसिडेंट. 102 क्लॉज 1 एमपी इज डिस्क्वालिफ एमपी मतलब लोकसभा राज्यसभा बोथ डिस्क्वालिफाइड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 102 क्लॉज 2 एमपी इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एमपी इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं फिर बोल रहा हूं इट कैन बी स्पीकर और इट कैन बी चेयरमैन कोई भी हो सकता है. यस हाँ यस. इफ यू चेंज द पार्टी देन योर केस विल कम टू मी. I will decide whether should I disqualify you or not. Means whether this law applies you or not. जैसे कि उत्तराखंड में भी in उत्तराखंड also some MLAs they change party. They were in Congress and they went to some other party. Anti-defection law was applied on them and they were disqualified. And it was challenged in the court that this action of speaker was wrong. But speaker को डरने की जरूरत ही नहीं है. He is not answerable in the court of law. लिखें 102 क्लॉज 1 क्लॉज ए 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग एन एमपी इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. आई विल टेक अनदर 15 मिनट्स सम अदर डे वेर आई विल टेल यू वॉट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. आज नहीं. अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग एन एमपी इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट except in the case where the office has been specifically exempted except in the case where the office has been specifically exempted from being an office of profit. आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या है सर? दिस इज व्हाट शी सेड सम टाइम बैक मेंटल. इफ द एमपी हैज लॉस्ट हिज माइंड कोई फायदा क्या है उसको रखने का? और कुछ तोड़ फोड़ दिया सर वेरी डेंजरस लेट्स डिस्क्वालिफाई. इंसॉल्वेंट नहीं है. हाँ इनसेन बिल्कुल बिल्कुल. 102(1)(b) राइट डाउन. If MP is of unsound mind, and who will decide is of unsound mind? Speaker नहीं court. अरे speaker से पूछो तो speaker तो हरे आदमी को बोल देगा ये भी unsound mind है. Full house खाली ऐसा हो सकता नहीं सर. Speaker अब खुद ही बैठा है अकेला. Everybody disqualified. Court. If MP is of unsound, लिखें सर इतने खुश ना हो उनकी प्लाइट पे.
If MP is of unsound mind and declared so by the court, competent court. 102 clause C. हाँ, undischarged insolvent. क्या होता है undischarged insolvent? हाँ, दिवालिया होता क्या है दिवालिया? When the person is? तेज बोलो. When the person? Bankrupt होने का मतलब क्या होता है? When your assets are less than your liabilities, then you are bankrupt. अब जैसे कि इस समय if you are having 20,000 rupees, 20,000 note of 1,000 rupees, वो क्या है सर? एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये तो आज जैसे आप देखो, बट देन अब विजय माल्या को देखो, हिज एसेट्स वर लेस देन हिज लाइबिलिटी. नॉट लोन तो सबका ले लिया था, एंड ही टुक सो मच ऑफ लोन देन ही बिकेम किंग ऑफ गुड टाइम्स, मगर ही डिड नॉट हैव मनी टू पे बैक. ठीक है सर? And he was declared insolvent. And before he could be removed, he himself resigned. उनको disqualify करने वाले थे, but पहले ही उन्होंने खुद ही resign कर दिया. Okay, लिखो. Article 102(1)(c). If he is undischarged insolvent, मतलब he is declared insolvent, undischarged insolvent, that is his assets is less than liability. 1D, Article 102(1)(d). What is it? What is the ground of disqualification in 1D? Citizen of India. 1D likho. He is disqualified if he is not a citizen of India. Hai na? 1D. He is disqualified if he is not citizen of India. Ye sare president ki chal rahi hai. Citizen of India. 1E. Last. Article 102(1)(e). Any of the law made by the parliament. MP is disqualified by or under any law made by parliament. And the last is 102(2). हो गया ना ये 102 clause 2. Anti-defection law में presiding officer आपको disqualify करेगा. And just wait for 2 minutes. एक छोटी सी बात बतानी है आपको. देखो, सम टाइम बैक देर वॉज अ इशू विच वॉज इन डिबेट एंड दिस कैन अगेन कम अप. हो क्या रहा था अर्लियर बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. वही राइट नाउ द गवर्नमेंट इज स्टेबल बिकॉज इट्स अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, बट अर्लियर इट वॉज हैपनिंग दैट लोकसभा एंड स्टेट देर आर नंबर ऑफ इलेक्शन अगेन एंड अगेन. यू ब्रॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फेल, अगेन इलेक्शन. यू ब्रॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फेल, अगेन इलेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड इलेक्शन electoral reform was proposed by somebody that why you go for elections again and again. Once a government is formed, once a legislature is formed, you should not dissolve the legislature. It should continue for 5 years complete. Agar aapne ek bar, once you have formed Lok Sabha, then Lok Sabha should continue for full term of 5 years. There should not be a provision to dissolve it before time. And the same goes with assembly also. Beech ka मिड टर्म पोल शुड नॉट बी एट ऑल. 5 साल बाद जनरल इलेक्शन करो, दैट्स ऑल. दिस विल अवॉइड अस गोइंग टू इलेक्शन अगेन एंड अगेन. डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट थिंग? क्या प्रॉब्लम है इट? आप ये देखो, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और नॉट? पार्लियामेंट्री सिस्टम द बेसिक प्रीमाइस इज दिस ओनली दैट लेजिस्लेटर्स एंड द सीओएम दे विल रिमेन इन पावर टिल द टाइम दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस.
अगर हमें ये लग रहा है दैट द असेंबली और द लेजिस्लेटर्स दे डू नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल दे शुड कम बैक. अगर यू पुट देम एट अ फिक्स्ड टेन्योर विल वी नॉट एक्चुअली शिफ्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम. भाई दिस इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम दैट वंस असेंबली इज फॉर्म्ड वंस द लोअर हाउस इज फॉर्म्ड दे रिमेन इन ऑफिस फॉर 4 years और 5 years और 6 years. तो ये तो हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल एज पर द फिलोसफी ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बिकॉज इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट flexibility of the life of the legislature as well as the executive is the basic feature. If you fix their life, then actually we have shifted to presidential. Aur ek baat aap aur dekho, let's say chalo theek hai, we fix the life of legislature. Now within legislature there is a smaller body which is executive. What if government falls and we continue with the same legislature? ये अजीब सी बात हो नहीं जाएगी क्या? एग्जीक्यूटिव इज द हार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. इफ एग्जीक्यूटिव इज देयर लेजिस्लेचर रिमेन्स. इफ एग्जीक्यूटिव हैज गॉन लेजिस्लेचर शुड ऑल्सो गो और शुड फाइंड अ न्यू एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव तो है नहीं. लेट्स से द पीएम डाइड और लेट्स से द पीएम वॉज रिमूव्ड. पीएम को आपने रिमूव ही कर दिया एंड यू कैनॉट हैव अ न्यू एग्जीक्यूटिव विदाउट गोइंग टू इलेक्शंस. तो 5 साल तक यू विल नॉट हैव इलेक्शंस बट यू विल हैव पार्लियामेंट. तो करोगे क्या इसका? What will you do with the legislature unless you have the executive with you? And since executive has lost majority, we cannot have a new executive unless we go for the election for the whole legislature. तो fixed tenure is actually impractical idea. I don't feel a possibility of this coming in exam, but still for your understanding, you write 2 lines on it. आने के चांस कम है, मगर this will clear your concepts more. Yes, that's why we said let's put them in place and we will remove them after only 5 years. Huh? देखो constructive motion आप ला सकते हो but then let me tell you even constructive motion has its own drawbacks because constructive motion is a second compromise. It's not democracy actually. Yes, it can be suggested. Alternative is the same system which we go. Or as she said, we can go for constructive motion of no confidence. Matlab, you remove them only when you find a new government within the same system. That is the only alternative which comes to us as of now. It can be other also. No constructive, na? सॉरी कंस्ट्रक्टिव मोशन ना. हाँ कोई लिख सकते हो आप. हाँ जी बताओ. आप समझे कि नहीं समझे? आइदर यू रिमूव देम बट यू रिमूव देम ओनली व्हेन यू फाइंड एन अल्टरनेटिव विद इन द सिस्टम. वो कुछ नहीं है. दैट इज कंस्ट्रक्टिव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विच आई एक्सप्लेन टू यस्टरडे. राइट ऑन एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओनली 4 lines एंड दैट इज द एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इट वॉज प्रपोज्ड that Lok Sabha and state assemblies should be given a fixed tenure of 5 years. That is, they shall not be subject to dissolution in between. This will prevent, they shall not be subject to dissolution in between. This will prevent frequent general elections. This will prevent frequent general elections. However, this idea was frequent general elections. However, this idea was opposed on the grounds that, it is a prominent feature of the presidential form and unworkable in
पार्लियामेंट्री फॉर्म वेयर अनवर्केबल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इन द लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज अ फंडामेंटल फीचर फर्दर इफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप्स इन लेजिस्लेचर पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप्स इन लेजिस्लेचर देन सॉरी वेयर देन मत लिखो वेयर नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज गेट क्लियर मेजॉरिटी or in a position to form or in a position to form new government then the political deadlock shall be carried or has to be carried then the political deadlock has to be carried on till the term of legislature carried on till the term of legislature ends sarkar to gir chuki hai magar legislature wahi ka wahi hai and you cannot go for a re-election also because term fixed hai This will erode the faith of people in democracy. Frequent elections is to be addressed. Maybe through options like frequent elections is to be addressed maybe through options like constructive motion of no confidence but the fixed tenure of legislature is not an answer Fixed tenure of legislature is not an answer. Read this today itself, right? Thank you. Now we meet on Monday now.